जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्म चैनल से हूँ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, हम कुंडली रीडर हैं और हाथ और फेस की रीडिंग करते हैं और हैंड रीडिंग भी करते हैं। आपके हाथों की रेखाएँ दिखते हैं और मेडिटेशन प्रोग्राम भी आपको देते हैं। और आज हम आपको विभिन्न विभिन्न राशियों के पर जो हम आपको बताते हैं, उसमें आज हम आपको भगवान बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं। यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसे की आपको दिक्कत है, तंगी चल रही है, तो आज का उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, आपका बृहस्पति अच्छा होगा और आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी। एक छोटा सा उपाय आपको करना है माता लक्ष्मी का बृहस्पतिवार के दिन। तो क्या करना है, यदि आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी है, धन संपत्ति के बारे में आपको दिक्कत है, पैसा नहीं रुकता है, आपका पैसा खर्च हो जाता है और आय की बहुत दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार को आप सुबह उठेंगे और नहा लेंगे। नहाने के बाद आपको पीले कपड़े पहन लेने हैं। अब पीले कपड़े पहनने के बाद आपके आसपास सराउंडिंग्स में जहाँ पे भी पीपल का पेड़ है, वहाँ पे आपको ये पूजा करनी है। सबसे पहले आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और उसका पूजन करेंगे धूप दीप अगरबत्ती से। सरसों के तेल का मीठा दिया जला देंगे, धूप लगाएं, अगरबत्ती जलाएं, पीले रंग की कोई भी छोटी मिठाई रख सकते हैं वहाँ पे। और अगरबत्ती लगाने के बाद आप पीपल देवता की आपको वहाँ पे परिक्रमा करनी है। साथ कैसे करनी है, आप वो पीपल देवता की धूप दीप अगरबत्ती लगाएंगे, वहाँ पे मिठाई चढ़ाएंगे और जल भी चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ही माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 108 बार बोलना है। जैसे कि ओम श्री लक्ष्माय नमः, एक मंत्र मैंने आपको दिया। इसके अलावा नेट पे बहुत सारे आपको मंत्र मिल जाएंगे, आप कोई भी मंत्र छोटा सा लेके उसको 108 बार बोलना है। बोलना आपको पीपल की जड़ पे ही है, यानी कि पहले आप पीपल पे जड़ चढ़ाएंगे, फिर आप धूप दीप अगरबत्ती लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे और कोई पीली मिठाई चढ़ाएंगे, फिर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनको मानसिक रूप से प्रणाम करना है और फिर आपको वहाँ पे बैठ के 108 बार माता लक्ष्मी का नाम लेना है, उनके मंत्र का जाप करना है। अब आपको क्या करना है, उठकर खड़े हो जाना है और सात परिक्रमा लेनी है माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए, यानी कि जो मंत्र आपने बोला है 108 बार, उसके बाद आप माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए आपको पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा करनी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हे माँ लक्ष्मी कृपा करें मुझे धन संपत्ति दे, हे माँ लक्ष्मी कृपा करें मुझे धन संपत्ति दे, इसे धीरे धीरे बोलते हुए आपको सात परिक्रमा कर लेनी है। अब आप इस मंत्र को हाथ से भी कर सकते हैं और आप किसी रुद्राक्ष माला पे भी कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय से आपकी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको धन धन से भर देंगी, यानी कि यदि आपने ये टोटका किया तो आपको धन दाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पैसा आपके पास बना रहेगा। यदि आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, व्यवसाय की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। करके देखिए छोटा सा उपाय, और आप इसको रिपीट करना चाहें तो आपको कम से कम ये सात बृहस्पतिवार कर लेना चाहिए, 7, 9, 11, 21। या आप संकल्प ले लीजिए कि जब तक आपको धन धाने की फ़ायदा ना हो, आपको नौकरी ना मिल जाए, आपको व्यवसाय ना हो जाए, तब तक आप इसी तरह से माँ लक्ष्मी का जाप मंत्र करेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और किसी भी तरह की समस्या अगर आपको है तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा वॉइस मैसेज में, कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय है।